अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज का नाश्ता देख के आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहने वाले हैं। ये हो गया जी इनका फीड टाइम। फीड डाल दी गई ने, अब ये पेट भर के खाएंगी। इधर भी हो गया जी फीड टाइम। रोने वाली बकरी जनाब खड़ी होके देख रही है फीड को और हल्का हल्का रो भी रही। ये जाड़ा लगा हुआ है। इधर से भी अब जानवरों ने पानी पीना शुरू कर दिया है। मिला झूठ मूठ का कि वो कटी इधर आ गई है। हाँ, साहब कह रहे जी कटी को छोड़े, आप उधर से आज से आपने उधर चौकीदारी करनी। हाँ तो कटी मेरे पास ही रहेगी, आपको उसका कम्प्लेन नहीं मिलेगी। कटी को उधर अपने पास बिठाएंगे? नहीं वहीं पर ही आप नहीं उसको टेंशन, एक दो महीने के बाद हम वापस ही रह जाएंगे ना वहीं पर। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब चल के चेक करते हैं कि आज के कितने अंडे आए होंगे। अंदाजा तो ये अंडों के ऊपर ही बैठ गई है। अभी तो दिए ही नहीं इसने, कल दे ले अंडा। ये अंडा तो इसने दिए ही नहीं, कल अंडा देने बैठी हुई। बाहर भी कोई नहीं आए तो अंडा है कोई। असल में ये ना मूसली जगह पर जाके अंडे दे जाती हैं। कल भी इनका अंडा वो उधर शेड के बीच में मिला था। अच्छा बाहर पड़ा तो कभी ले जाते हैं। हाँ कभी ले जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं वो जो मारती इस तरीके से वो पूरा अंडा उठाया जाता है। उनको नॉलेज होती है खुराक को बड़ा गंदा करती है और इस तरह बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा रहता है। ये देखें जी क्या चीज आ गई, उड़ने वाली चीज है और ऐसे उल्टी छत पे चल भी सकती है। आज एक अंडा बतख का मिला और ये लड़के ही खा गए ना, बाकी चार मेरे पास पड़े हुए थे। ये घर भेजते हैं अभी फैजान खान के लिए। लो जी आज दिन के खाने में जनाब आ गई अपनी पसंदीदा फेवरेट मज़ेदार भिंडी। फैजान रफान लेके आ गए हैं केक। ये केक है जी, हैप्पी बर्थडे। इधर डैडी लिखवाना था। नहीं 10 साल पुरानी छुरी से, 10 साल पहले नहीं थी ना। अब हम केक काटेंगे और बच्चे कहेंगे हैप्पी बर्थडे पापा। चलें जी और तालियां बजाएं। क्या सुस्त पड़े हुए हैं। चलें जी हमने केक काट लिया। ठीक है बड़ा सा हमने केक तो खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया। उसमें थोड़ी सालगिरह इसलिए फीकी हो गई थी कि ये एक मिथ है कि मेरी सालगिरह 4 अक्टूबर को है, हालांकि ये 23 अक्टूबर को है। इसलिए
21 अक्टूबर को हो सकता है हम दोबारा सालगिरह करें, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतनी ही सालगिरह है, जो सारी सारा केक है ये हम लेबर्स को दे देते हैं जो इधर फार्म पे दे देना। ये केक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो ये आप इसको डिवाइड करके काट के सब एम्प्लॉइज को खिला दें, ठीक है। आज कापर कैप्सूल देने की कोशिश ही बकरी कर रही है खाने की, केला कापर कैप्सूल खिला रहे हैं केले में डाल के ना। आज पर्दे भी लग रहे हैं, जो पर्दे सफाई के लिए मरम्मत के लिए ले गए थे वो भी आज आ गए हैं ना। ये चेक करें ना, ये जो जो मरम्मत वगैरह करके फिर लगा दिए। उसमें ये जो बकरियाँ हैं ना, इन्हें चैन नहीं आता, ये खाती रहती है, लेकिन ये उधर ऊपर पड़ा हुआ है तो ये अब आगे पीछे से खा रही हैं, सींग बीन के हैं तो ये तरपालों को ना खराब कर देती हैं। इसलिए हर साल ये रिपेयर होते रहें तो फिर काम चलता रहेगा। आज ये काम मुकम्मल हो गया, इधर भी ये लकड़ी के फटे लग गए, अब बतहें बाहर नहीं आ पाएंगे। देखा ये सारी साइडों पे ना, ये पहले बाहर आके बड़ा तंग करती थी, अब ये इधर तालाब में नहाएंगी और उधर जाके अंडे देंगी, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और इनके लिए भी। यार तेरा फिर आ गया है, मिले जफा मार के, चल शुक्र है हूँ नींदर चंगी आवे जी। ऐसे लाइन बना के पानी पी रहे हैं, पेट निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से? आप जिम कर रहे हैं आज? आप कर रहे हैं? आप नहीं, मैं कहा था, मेरा भी पेट निकला हुआ है। खाली पेट निकला, पेट दबाया हुआ अंदर। ये लो दूध देना 2 किलो। कामरान की गट्टी है, इधर रेस्ट फरमा रही है। ये देखें ना, ये जनाब कट्टी के होने के निशानदार पता चल रहा है ना, इन्हीं रास्तों से कट्टी गुजरी है। ये देखें ना, ये वैसे ना निशान इसके गए। इजार में दौड़ लगाएंगे? नहीं आप लगाएं, अच्छा। मैं फार्म पे जाता हूँ, जूते चप्पल पहनने। चलें आप फिर इधर उधर ही रेस्ट करें, यहाँ पे रेस्ट कर लें कहीं पे, वो कुर्सी पड़ी हुई है उधर दूर। ये गंडोया जा रहा है जी, कैसा सुकड़ता जाता है और अपने आप को आगे बढ़ाता जाता है ना। तो कहाँ से आ रहे हो जी? इसमें गाय का ना चारा वहाँ पे रखा हुआ था, अच्छा। फार्म को मैं लेने गया था। चलो ठीक है, जाए फिर चारा देखिए भूसा। ये बच्चा क्या बड़ा है? बच्चा ही बड़ा है, कितनी एज है इसकी? कुत्ती है। जूली भी नजर नहीं आ रही, फ्रेंड उसके घूम रहे हैं। आ जाए पर्दे भी लगाए जा रहे हैं, सर्दी भी आ गई है। बस क्या कर रहे हो? नहीं चरपाई कस रहा हूँ। अच्छा नहीं, ये लूज हुई है। ठीक है, आज इस पे सोना होगा जी? इस पे सोना है? हाँ जी, मैं रात को इधर ही सोया था यहाँ पे, तो ये बिल्कुल झूला बन गई थी। हाँ, तो ये टाइट हो गई है। अब ये इधर लग गए फटे, तो ये बतहों के बच्चे भी इधर छोड़ दिए।
आज दिन का पहला दिन इन मुस्टेंडो के साथ, एक आध दिन में समझ जाएंगी सारी गेम। ये भी जब नई नई आई थी ये वाली छोटी, तो इनकी भी बड़ी फनी होगी थी यहाँ पे आज। बाकी दौड़ती थी, समझ इनको नहीं आती थी क्या करना है ना। ये भी अब परेशान है यहाँ पे। ये अब नए घर में दाखिल हो गई है। अब रात को ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इधर ही है ये उन बच्चों के साथ। ओ कुट पड़ गई, कुट पड़ गई, काम हो गया खराब। बड़ा गुस्सा है इन्हें। हाँ जी जारा जी, क्या हो रहा है? सब्जी मसाला पैक हो गया। चेक करके वही पर नज़ारे तो खा दिए आवने ने, फिर ही मेरा ठीक होना है। कर लो पैक। और आप ये सब कॉफी चाहिए मुझे बता देना, कॉफी का बंदोबस्त है 1, 2, 4, 10, 12 जितनी पूछ ले। अगर इन्होंने पीनी है तो सुनिए भाई। अच्छा पूछ ले, पूछ ले भाई, बिजी है अभी भाई। कॉफी पियोगे आप? तुसी पियो तो पी लो, आधा कप दीजिएगा। ठीक है, दूध है ना आप लोगों के पास? हम दूध देते हैं। कि तुम बकरे तो काट रही है? नहीं, बकरा भी हमारा दूध देते हैं। हम फखर से कहते हैं मैं बकरा भी दूध देता हूं। सही, बकरे का निकाल लेते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं इसमें दूध देता है ये कह सकते हैं, दूध पिया नहीं कभी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसको बांध के फिर मैं बना देता हूँ। आप तुम्हारी कट्टी नहीं देती दूध अभी? नहीं नहीं, अभी उसका 1-1.5 साल लगेगा अभी। क्या तो मैं कल परसों तक निकाल दूँ उसको, दूसरी लेकर आऊँगा बड़ी वाली। जब तक इतना बड़ी होना, मेरे बूढ़ा हो जाना इसलिए। ठीक है, देखें ये हमारी लेबर ने क्या काम किया है। अपना मोटरसाइकिल कहीं खड़ा कर रहे हैं, किसी दुकान पे गए हैं, उनका उधर से ले आए। अब वो कॉल कर रहे हैं कि यार अपना ले जाए, हम आप हमारा ले गए, अब वापस करने जा रहे हैं। है जी, वंडा आ गया जी कार के, ये उतर गया। ठीक है, मुझे ठीक लगा रहे हैं तरीके से। ये टेबल क्या करनी है वैसे दे दो जी, ये थोड़ी बड़ी मुझे दे दो। चले जी, काफ़ी आगे कर देनी, कामरान बनाने में कामयाब हो गया काफ़ी। अपना तो जनाब इजहार भाई के साथ प्रोग्राम बन गया गोलगप्पे खाने का। फाटक जनाब बंद था लेकिन अब खुल गया है। ये आ गया चांदनी चौक, और इधर किसी दौर में गोलगप्पा वाली दुकान थी शायद, उधर थी, आज तो मुझे लगता है वो बंद हो गई है। चलें जी, अब और तलाश करते हैं। अच्छा, गोलगप्पे की क्या कीमत है जी? एक गोलगप्पा कितने का? एक गोलगप्पा 25 रुपये का। 25 का जी जी, पानी समेत जी जी। दर्जन की दर्जन 300 रुपए के? ला दर्जन फिर, एक दर्जन कर दे और कोई चीज नहीं बस। और तैयारी जारी है, पत्ते को पीते नहीं।
ओके जी, ये हलाई मशीन भी फार्म पे आ चुकी है। सुबह जो है ना वो दीवार के ऊपर लेंटर का पता नहीं क्या डालेंगे।